नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 नंबर की बात है, टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि मोदी सरकार एक रेजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए। इंडिया से बदल करके नाम उसे भारत रख दिया जाएगा। ये खबर फैलते सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर बवाल मचना शुरू हो जाता है। कुछ मीडिया ने तो इस पर पोल्स भी लेना शुरू कर देता है। बताइए, अपने देश का नाम क्या होना चाहिए? आजादी के 70 साल के बाद भी इस पर पोल चलाए जा रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए। और इससे आगे में घी का काम किया है बीजेपी के लीडर्स के स्टेटमेंट ने। बीजेपी पॉलिटिशियन तो इस हद तक पहुंच गए हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया नाम एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया है। यह कहना था बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का। मिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि यह सब अफवाह है, इंडिया नाम हटाया नहीं जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि मुद्दा फिर शुरू क्यों हुआ, क्या असली कारण है इस कंट्रोवर्सी के पीछे, और इंडिया को भारत से लड़वाने का काम क्यों किया जा रहा है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता। क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। मोदी मीडिया अगर नहीं तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल में पहली लाइन क्या है दोस्तों? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में ये कहा गया है। संविधान का अगर वही हिंदी वर्जन का बात किया जाए तो उसकी पहली लाइन में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम देखो तो इंग्लिश में से कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में से कहा गया है भारत का संविधान। इससे क्या पता चलता है दोस्तों? इसे ये पता चलता है कि वे महान लोग जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, वे महान लोग जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, उन्होंने 2 नामों का इस्तेमाल किया है देश के लिए, इंडिया और भारत। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आपको इंडिया या इंडियन शब्द का मेंशन 900 बार से ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा देश में मेन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन ने इस नाम का बहुत बार इस्तेमाल किया, यानी कि इंडिया नाम का इस्तेमाल किया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनफैक्ट इसरो ने तो हमें चांद तक पहुंचाया, उसका भी फुल फॉर्म भी तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये सारे नाम क्या एक गाली है? बीजेपी के लीडर के अनुसार से देखा जाए इंडिया नाम एक गाली है, तो क्या ये सभी के सभी क्या नाम गाली है? क्योंकि सभी में इंडिया का नाम यूज किया गया है। हमारा इंडियन पासपोर्ट अगर आप देखोगे तो उसके फ्रंट पेज पर क्या लिखा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और इसके ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में भारत गणराज्य। अब तक तो आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, हमारे देश का नाम जब भी इंग्लिश में लिखा जाता है तो उसे इंडिया इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं जब हिंदी में लिख रहे होते हैं हम लोग तो भारत का प्रयोग कर रहे होते हैं। वैसे 2 अलग अलग भाषाओं में 2 अलग अलग नाम का यूज करना कोई अजीब चीज नहीं है। कई ऐसे देश हैं जिसका नाम 2 भाषा में लिखा जाता है, जैसे चाइना, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया, भूटान, मालदीव, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, ग्रीस, आर्मेनिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं दोस्तों जिसका नाम 2 भाषा में लिखा गया है। इंडिया के भी 2 नाम है, भारत और इंडिया। प्रेसिडेंट के इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया लिखे या भारत, दोनों तो एक ही नाम है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब एक शब्द के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दिया जाता है। अपने ही देश में देश के नाम बदनाम करने के लिए ऐसा किया जाता है। बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि इंडिया शब्द एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दिया है। झारखंड के गवर्नर ने भी यही बात कहा है कि इंडिया नाम जो है अंग्रेजों ने दिया है, भारत नाम तो श्री कृष्ण ने दिया है। ये कहना कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने हमें दिया है, ये सरासर झूठी खबर है जो इनके द्वारा फैलाई जा रही है। अब तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि पूरा का पूरा तमाशा इंडिया और भारत के नामों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि इससे पहले ना ही कोई बीजेपी पॉलिटिशियन या प्रधानमंत्री खुद को ही इंडिया नाम से कोई प्रॉब्लम था। अगर इन्हें पहले से प्रॉब्लम हुई होती तो अपने सरकारी स्कीम का नाम इंडिया के नाम पर नहीं रखते, जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सारे के सारे नाम रखते वक्त किसी भी बीजेपी मेंबर को ये लगा था कि क्या ये नाम खतरनाक है, जैसा कि राजनाथ सिंह ने इंडिया नाम को खतरनाक बताया, या ये लगा था क्या इंडिया नाम गाली है, जैसा कि हरनाथ सिंह ने इंडिया नाम को एक गाली के नाम जैसे पुकार रहा है। अगर उन्हें पहले ऐसा लगता तो ये इंडिया का नहीं नाम भारत का यूज करते, डिजिटल भारत होता, मेक इन भारत होता, स्किल भारत होता, ऐसा इन लोग यूज नहीं किए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया जा रहा है, इंडिया नाम अंग्रेज का दिया हुआ है इसलिए गाली है। तो ये सारे के सारे नाम इंग्लिश में क्यों है? इंडिया के साथ साथ डिजिटल इंडिया नाम रखा गया है, डिजिटल भी तो एक अंग्रेजी शब्द है,
इन्हें तो नाम हिंदी में रखना चाहिए था। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं दोस्तों। अगर इन्हें इस नाम से प्रॉब्लम होता तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करी गई थी इंडिया नाम को हटाने को लेकर के। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और देश के नाम को लेकर के जो भी चर्चा होनी थी वो उसी वक्त हो गई थी जब देश का नाम रखा गया था। अब इसको बदलने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों नाम एक ही है। ये उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था, भारत या इंडिया दोनों एक ही नाम है। अगर आपको भारत बोलना है तो भारत बोलिए, और अगर आपको इंडिया बोलना है तो इंडिया बोलिए। इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, और यहाँ पर बीजेपी ने भी 2016 में इसका समर्थन किया था। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक और सिमिलर पिटीशन फाइल करी गई थी और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेने से मना कर दिया था। बीजेपी भी इंडिया नाम के साथ खड़ी रही थी जो कि सही चीज थी, लेकिन अब जब अपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रखा है तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। ये लोग इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि इसे इंडिया नाम को एक गाली देना शुरू कर दिए हैं। इन लोगों को राजनीति करनी है, ये उनका काम है, लेकिन ये लोग सत्ता के लालच में इतने पागल हुए हैं कि उन्होंने देश का नाम को ही गाली देना शुरू कर दिया है। देश के नाम पर ही उन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया। लोगों को अभी तक तो बस हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब लोगों को भारत के नाम पर भी बांटने लगे। इन बीजेपी लीडर से भी ज्यादा बेशर्म तो हमारे देश की मीडिया हो गई है, जिनके पास इतना बेशर्म नहीं है कि ऐसी राजनीति को लोगों तक सही से बताए। अगर ऐसी हरकतें रहेंगी बीजेपी के नेता और देश की मीडिया की, तो देश के नाम को गाली कहेंगे, देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाई जाएगी, तो आपको समझना होगा कि इसका बहिष्कार कैसे करना है। ये राजनीति के लिए ऐसा नीच पर उतर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर फैसला लेने के लिए जरूर आगे आना चाहिए। भारत का नाम तो हम लोग सभी को जानते हैं कि इसका बहुत ही पुराना इतिहास रहा है, लेकिन इंडिया नाम भी हजारों साल पुराना है। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की राइट्स में हमें मेंशन मिला है कि नदी में कैसे ढेर सारे क्रोकोडाइल हुआ करते थे, और इसी में इंडिया और इंडियन का भी मेंशन किया गया था। इस किताब में 127 पेज पर लिखा गया है। 3rd century BC में मेसोडिनिया का राजा अलेक्जेंडर इंडिया को इन्वेड करते हैं, तब तक इंडिया शब्द का ऑलरेडी प्रयोग किया जाने लग रहा था। इंडिया शब्द का उस रीजन का डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया था जो जियोग्राफिक एरिया इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के पार था, यानी कि इंडिया। दूसरी तरफ भारत का या भारतवर्ष शब्द का ओरिजिन हमें उस समय से देखने को मिलता है जब पुरानी लिटरेचर महाभारत या वेद में ऐसा देखने को मिलता था। तो यहां से कहा जा सकता है कि इंडिया, भारत, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे के सारे शब्द हजारों साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लोगों को यहां पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि यह सब फॉरेनर्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान भी शब्द जो है ये विदेशियों का दिया हुआ है। अपने आप को आप हिंदू बुलाते हो ना, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि ये भी पर्शियन लोग के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट का खेल जो भारत में हर गली मोहल्ले में खेला जाता है, ये तो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ गेम है। और जो स्कूल आपने शुरू किया है, इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो अंग्रेजों की भाषा है, उसे नहीं पढ़ाना चाहिए ना, ये तो गाली है। एक्चुअली ये कोट पैंट जो आप पहन करके खड़े हैं उससे भी मत पहनिए, ये भी अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये भी फॉरिनर्स का दिया हुआ है। धोती कुर्ता पहन करके खड़े होइए, कोट पैंट भी तो फॉरिनर्स की ड्रेस है। मेरी इन नेताओं से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको देश की इतनी ही चिंता है तो देश का नाम का नहीं, अपना काम बदलिए। इंडिया के लोगों का न सही, भारत के लोगों का बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक, ये सब का डेवलपमेंट कीजिए। आपको किसी ने मना नहीं किया है भारत बोलने से, भारत ऑफिशियल नेम है, लेकिन देश के दूसरे ऑफिशियल नाम इंडिया के खिलाफ नफरत मत फैलाइए। याद कीजिए दोस्तों, जब आप इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंडिया लिखा हुआ जर्सी में आप देखते हैं, क्या आपको प्राउड फील नहीं होता है? क्या उसे आपको गाली नजर आता है? इंडिया इंडिया का नारा आप क्यों लगाते हो जो इतने बड़े हजारों के तादाद में ऑडियंस सभी को यहाँ पर खेल देख रहे होते हैं और इंडिया इंडिया का नारा लगाते हैं उस स्टेडियम में, क्या वो गाली है? ये बीजेपी के द्वारा एक ऐसा प्रोपेगेंडा हर बार चलाया जाता है जब कोई मुद्दा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाया जाता है। ये लोग ऐसे कोई मुद्दा ले आते हैं और सभी TGP चैनलों पर हंगामा शुरू हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ दोस्तों, अडानी का नाम एक बार फिर से एलिगेशन में आया था, और इसी को छुपाने के लिए ये लोग इस प्रकार का हथकंडा अपनाए हुए हैं। बाकी हम सब के लिए इंडिया हो, भारत हो या हिंदुस्तान हो, ये सब देश के बहुत ही प्यारे नाम हैं और कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। यही कारण है कि हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम कहते हैं भारत माता की जय, हम बोलते हैं जय हिंद जय भारत, और हम कहते हैं आई लव माई इंडिया।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।